अस्सलाम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वो एरिया दिखाऊंगा जहाँ मेजर शबीर शरीफ की शहादत हुई, वो किस जंग में शहीद हुए, उन्होंने कितनी जंगें लड़ी हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ वो सारा एरिया विज़िट कराऊंगा मैं आज को। ये जो टावर है, हदूद है इंडिया बॉर्डर की, वो है 3 किलोमीटर। ये है हैड सुलेमान की, यहाँ मेजर शबीर शरीफ की शहादत हुई थी 1971 की जंग में। दोस्तों, ये है हैड सुलेमान की का ब्रिज, जहाँ मेजर शबीर शरीफ अपने मुल्क के खातर लड़ते हुए शहीद हुए थे। और ये तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल से 3 किलोमीटर की फासले पे है, जो इंडिया का बॉर्डर है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ रेंजर और आर्मी भी तैनात है, ये भी आपको बता दें। यहाँ रेंजर भी है और आर्मी भी है, ये सारा एरिया उनके कंट्रोल में आता है। ये फौज का मोर्चा है जो जंगी सूरत में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये देखें। अंदर से भी मैं इसका आपको विज़िट कराता हूँ, पहली दफ़ा जा रहा हूँ। या अल्लाह, बड़ी खौफनाक है। बाहर का एरिया आ गया और ये मोर्चे का अंदर का एरिया है। ये इतनी सफाई वगैरह नहीं है फ्रेंड। अगले व्लॉग में मैं आपको मेजर शबीर शरीफ की कब्र यानी के मज़ार दिखाऊंगा कि वो कहाँ वाक़या है और उन्हें कौन सा एजाज से वहाँ दफन किया गया है। ये सारी मालूमात आप मेरे अगले व्लॉग में देखेंगे।